भारत से आपको खबर दें कि भारत में 500 और 1000 के नोटों की बंदिश हो गई है। मुल्क में बहरान हो गया है और राहुल गांधी का एटीएम भी बंद हो गया है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों की बंदिश से मुल्क में बहरान है। राहुल गांधी का एटीएम भी बंद हो गया है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों की बंदिश से मामला गंभीर हो गया है। मुल्क में रुपए का बहरान हो गया है और राहुल गांधी, जो कि एक सियासी रहनुमा है, उनकी एटीएम भी बंद हो गई है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों की बंदिश की वजह से मुल्क में शदीद बहरान देखा जा रहा है। राहुल गांधी का एटीएम भी बंद हो गया है। नाज़रीन, आपको बताएं, भारत से आपको खबर दे रहे हैं कि 500 हज़ार के नोटों की बंदिश, जिसकी वजह से मुल्क में बहरान हो गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी का एटीएम भी बंद हो गया है। भारत में 500 हज़ार के नोटों की बंदिश देखने में आ रही है, जिसकी वजह से मुल्क में बहरान हो गया है और राहुल गांधी का एटीएम भी बंद हो गया है। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी को भी इस बहरान में मुश्किलात का सामना है, जिनके एटीएम बंद हो गया है। और भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों की बंदिश की वजह से मुल्क में बहरान है। बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 500 और 1000 रुपए के नोटों को उठाया गया और जिसकी वजह से मुल्क में बहरान हुआ। राहुल गांधी कांग्रेसी रहनुमा है, उनका एटीएम कार्ड बंद हो गया है और उनको भी इस मुश्किल का सामना है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों की बंदिश की वजह से मुल्क में बहरान है।